व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम में ग्रो कैसे कर सकते हो और इंस्टाग्राम के ऑडियंस को कैसे बढ़ा सकते हो अपने इंस्टाग्राम पे। तो अगर बहुत कोई आपको ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि आप ये वेबसाइट पे चले जाओ, इसमें लॉगिन कर लो अपने इंस्टाग्राम पे, तो आपके 1000 फॉलोवर एक दिन में हो जाएंगे, एक घंटा में 1000 फॉलोवर आ जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें, इससे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डेड हो सकता है और ब्लॉक भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इंस्टाग्राम के ऑडियंस को क्रिएट करने के लिए आपने ऑर्गेनिक और जेन्युइन तरीके से ऑडियंस को बनाने के लिए अपने इंस्टाग्राम पे, तो इसको आपको सबसे पहले आपको अपना अकाउंट को क्रिएट करना है। और जिस भी नीश से आपको अकाउंट, जो भी आपका नीश है, जो भी कंटेंट आप उसमें डालेंगे, उस नीश से रिलेटेड आप अपने अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने के बाद आपने उसको पब्लिक और बिजनेस अकाउंट करें और प्रोफेशनल तरीका से अकाउंट को रखें और प्रोफेशनल अकाउंट में रखें। तो आपने अपने नीश से रिलेटेड क्या हुआ, आप अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसे मेनली इसमें अकाउंट आपको बनाने के लिए, इसमें बनाने के बाद आपको सिर्फ 3 या 4 स्टेप को फॉलो करना है, जिससे आप 1 से 2 सप्ताह तक आपका आपका जो भी अकाउंट है उसमें आप वायरल जा सकते हैं, आपका ऑडियंस बिल्ड हो सकता है उस पर। तो आपको सबसे पहला चीज़ करना क्या है, आपको उस नीश से रिलेटेड जो भी आप अकाउंट बनाए हैं उस पर रेगुलर कंटेंट डालना है। कंटेंट में क्या डालना है आपको, कंटेंट में आपको सबसे पहला रील्स, सबसे पहला जो है रील्स, आपको नहीं भी तो एक दिन में डेली आप 2 रील्स या एक दिन में डेली 1 रील्स जरूर डालें अपने। और रील्स के साथ साथ अपने पोस्ट भी डालें, पोस्ट के साथ साथ वीडियो भी उसमें इंक्लूड करें, अपने जो भी रिलेटेड नीश है आपका उस रिलेटेड आप वीडियो डालें, रील्स डालें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगा आपको रील्स और पोस्ट डालें। पोस्ट के साथ साथ आपको क्या करना है, ये दोनों आप रील्स और वीडियो पोस्ट बना लिया, इसको क्या करना है आपको, जो भी आपका जो नीश है उससे रिलेटेड आपका जो वो हैशटैग मिलता है, उस हैशटैग को आप अपने रील्स में लगाए और पोस्ट में लगाए। इससे क्या होगा, आपका जो ऑडियंस है वो ग्रो होगा और आपका जो रील्स और पोस्ट है वो उस नीश रिलेटेड में वायरल जाएंगे और आपका जो इंगेजमेंट है वो बढ़ेगा इससे, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, कंटेंट डाल दिया, रील्स डाल दिया, पोस्ट डाल दिया। तो आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली अगर थोड़ा मोड़ा और फॉलोवर उस तरीके से चाहिए तो आपको करना क्या होगा, आपने जो भी नीश से रिलेटेड अपना अकाउंट बनाया है उस नीश से रिलेटेड आप अपने अकाउंट क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पे सर्च करें, उस नीश से रिलेटेड बहुत सारे आपको अकाउंट मिल जाएंगे, उस अकाउंट पे जाना है आपको। अकाउंट पे जाने के बाद उसके फॉलोवर सेक्शन पे जो जितने भी फॉलोवर है उसको आप फॉलो करते जाएं, एक दिन में नहीं भी तो आप 100 फॉलो करें, उससे आपको नहीं भी तो 20 से 30 फॉलोवर मिल जाएंगे। उससे क्या होगा, आपका ऑडियंस इंट्रैक्शन बढ़ेगा और इंगेजमेंट भी बढ़ेगा आपका अकाउंट में, ठीक है ना। तो अब आपने ये सब काम कर लिया, आप डेली रेगुलर रहते हैं अपने अकाउंट पे, तो अब आपको क्या करना है, अपने रेगुलर इंस्टाग्राम स्टोरी लगाना है, डेली स्टोरी लगाना है, कुछ ऐसा स्टोरी जिससे आप अपने ऑडियंस को मतलब ऑडियंस से इंटरेक्ट करते रहे, ऐसा आपको स्टोरी लगाना है। और स्टोरी लगाने से क्या होगा, आपका जो ऑडियंस इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा और आपका ऑडियंस आपको जान पाएंगे कि आप किस तरीके का नीश में काम कर रहे हैं और किस तरीके का ये अकाउंट है और मैंने इस अकाउंट को किस लिए फॉलो किया। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।